हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रीन चैलेंजर्स में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सिजेंटा कंपनी का कॉलीफ्लावर सीड्स C7132 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और हमें आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वैरायटी की कॉलीफ्लावर की खेती खरीफ सीजन और समर सीजन में हो सकती है दोस्तों, वो भी रिकमेंडेड स्टेट के अनुसार। बात करते हैं इसकी रिकमेंडेड स्टेट के बारे में, यानी इस वैरायटी की कॉलीफ्लावर की खेती कौन कौन से स्टेट में हो सकती है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वैरायटी की कॉलीफ्लावर की खेती खरीफ सीजन में बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आसाम, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस वैरायटी की कॉलीफ्लावर की खेती हो सकती है दोस्तों। और समर सीजन में ओनली अरुणाचल प्रदेश में इस वैरायटी की कॉलीफ्लावर की खेती हो सकती है दोस्तों। इस वैरायटी की कॉलीफ्लावर की नर्सरी दोस्तों खरीफ सीजन में जून महीने से अगस्त महीने के अंदर अंदर बेस्ट रहेगा, और इसकी प्लांटेशन जून महीने से सेप्टेम्बर महीने के पहले 15 दिन के अंदर अंदर बेस्ट रहेगा दोस्तों। इस वैरायटी की कॉलीफ्लावर की हार्वेस्टिंग प्लांटेशन के बाद 50 से 55 दिनों में शुरू हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों, इस वैरायटी की फूलगोभी दिखने में व्हाइट होता है, और एक फूलगोभी की औसतन वजन लगभग 800 ग्राम से 1300 ग्राम तक का हो सकता है दोस्तों, अगर आप अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो। इसकी 1 प्याकेट प्राइस दोस्तों मैंने 570 रुपीज़ में ख़रीदा था दोस्तों। हो सकता है कि दोस्तों आपके एरिया में प्राइस थोड़ा ज़्यादा या फिर कम कीमत पर भी मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।